क्या मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ गौ माता को घर से बाहर ना निकाले, गौ माता की रक्षा करे। तो आपके मम्मी पापा दोस्त कौन है? गुरुजी। गुरुजी हाँ। मम्मी पापा दोस्त हाँ। सब कुछ गुरुजी है हाँ। कैसा लगता है आपको गुरुजी के साथ? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है हाँ। जैसे छोटे बच्चे परेशान करते हैं गुरुजी को, आप भी करते हैं? ना बिल्कुल नहीं करते। करते कभी कभी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ क्या छोटे बच्चे अपने माँ बाप के ये बात माने, छोटे बच्चे माँ बाप की बात माने, मन लगा के पढ़ाई करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं के इस सीरीज में मैंने आपको विभिन्न प्रकार के साधु संतों और बाल साधुओं के दर्शन कराए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में मिलिए एक छोटी बच्ची से जो है नागा सन्यासी। आपको मेरा प्रणाम। आपका नाम क्या है? बाल योगी सिद्धिगिरी। बाल योगी सिद्धिगिरी जी, कितने साल के हैं आप? 9 साल। 9 साल के हैं आप। स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? थर्ड में। कौन सी क्लास में? थर्ड में। थर्ड में हैं आप। कौन कौन से विषय आप पढ़ते हैं? इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हैं? खेलते भी हैं? हाँ। क्या खेलते हैं और किससे खेलते हैं? डमरू से और चिंचोल से। आज के समय में बच्चों के खिलौने विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका खिलौना है ये त्रिशूल और डमरू। कैसे खेलते हैं आप त्रिशूल और डमरू से? और त्रिशूल से कैसे खेलते हैं? ऐसे ही रख के बजाता हूँ। अच्छा, ऐसे ही रख के से बजाते हैं हाँ। भक्ति भी करते हैं आप भगवान की? हाँ। कौन से भगवान की? दत्त भगवान की, गुरु महाराज की। दत्त भगवान गुरु महाराज की हाँ। किस किस समय करते हैं? सुबह शाम। सुबह शाम हाँ। योगा भी करते हैं आप हाँ। कौन कौन सा योगा करते हैं? रामदेव बाबा का करते हैं। अच्छा, रामदेव बाबा का हाँ। कौन कौन से? वो पेट घुमाते हैं। अच्छा, पेट घुमाते हो आप। और वो पैर सिर को लगाते हैं, वो शीर्षासन जो होता है हाँ। अच्छा, तो महाराज जी इनसे करवा के देख सकते हैं? अभी नहीं, अभी अभी नहीं ना, अभी तो गलत भोजन कर रखा है, तभी भी कर लेता हूँ जी। महाराज जी, समाज में साधुओं को लेकर विभिन्न प्रकार के भ्रम हैं, खास करके बाल साधुओं को लेकर तो कई प्रकार के भ्रम फैलाए गए हैं हाँ। वो क्या भ्रम है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं हाँ। लेकिन इनके साधु बनने की क्या कहानी है वो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इनके गुरु हैं। हमने उसको गोद ले रखे हैं। कितनी उम्र से? उम्र में 6 महीने की। अच्छा, जब से 6 महीने की थी। आज की स्थिति ये है कि उसके लिए उसकी माँ मैं हूँ, बाप मैं हूँ, भाई मैं हूँ, उसके लिए सहेली भी मैं हूँ। मतलब इनके सब कुछ आप ही हैं। तो महाराज जी, एक 6 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो किस तरह से आपने इनकी देख रेख करी, कैसे पाला? वो तो एक साधु हो गए, क्योंकि साधुओं के बारे में बहुत भ्रम है ना, तो इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने इन्हें पाला। हम साधु हैं तो क्या हमें भी मोह है, माया है? हमारे गुरु जी भी हमसे इतना मोह करते हैं। महाराज जी, वैसे आपका स्थान कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर में है। महाराज जी, अभी तो इनकी छोटी उम्र है, आप पढ़ा भी रहे हैं इन्हें हाँ। अभी खेलने का मन करते तो खेलते भी है हाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? कुछ नहीं, पढ़ लिख कर वो कथावाचक बनेगी। अच्छा, कथावाचक बनेगी पढ़ लिख कर हाँ। महाराज जी, हिंदू संस्कृति की रक्षा करेगी। हिंदू संस्कृति की रक्षा करेगी, गौ रक्षा के लिए सबसे आगे उसका श्रेय रहेगा, सबसे आगे रहेगी वो। अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं कि आप गौ रक्षा के लिए कार्य करेंगी, तो आपने सोचा है गौ रक्षा के लिए कार्य करने का? कैसे करेंगी? क्या मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ गौ माता को घर से बाहर ना निकाले, गौ माता की रक्षा करे। आप करेंगी रक्षा हाँ? किस तरह से? उन सेवा करेंगे उनकी। अच्छा, गौ माता की सेवा करके आप रक्षा करेंगी, और क्या क्या कार्य करेंगी आप बड़े होने के बाद? बड़े होने के बाद कथावाचक बनेंगे, कथाएं सुनाएंगी, और और सनातन धर्म के लिए क्या करेंगे आप? प्रचार। अच्छा, प्रचार करेंगे सनातन धर्म का, ताकि हमारे धर्म की रक्षा हो सके हाँ। आप भी देख सकते हैं, आज के समाज में जो बच्चे हैं वो अमूमन अपने धर्म की बुराइयां करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बाल नागा साध्वी हैं जो बचपन से ही भक्ति के मार्ग पर हैं, और इनका उद्देश्य और इनका लक्ष्य है अपने सनातन धर्म संस्कृति परम्परा की रक्षा करना। महाराज जी, इनकी उम्र भी 9 साल है, अगर बड़े होने के बाद कभी मन परिवर्तित हुआ तो? नहीं, ऐसा कैसा होगा जी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ क्या छोटे बच्चे अपने माँ बाप के ये बात माने, छोटे बच्चे माँ बाप की बात माने, मन लगा के पढ़ाई करें। तो आपके मम्मी पापा दोस्त कौन है?
गुरुजी, गुरुजी, हाँ। मम्मी पापा दोस्त, हाँ। सब कुछ गुरुजी है, हाँ। कैसा लगता है आपको गुरुजी के साथ? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हाँ। जैसे छोटे बच्चे परेशान करते हैं गुरुजी को, आप भी करते हैं? ना बिल्कुल नहीं करते। करते हैं कभी कभी। कितना परेशान? थोड़ा, बहुत ज्यादा? थोड़ा नहीं, आपके हंसी तो बता रही है कि बहुत ज्यादा करते हो। तो गुरुजी डांटते भी है फिर? ना। बिल्कुल नहीं डांटते, तभी आप ज्यादा परेशान करते हो। गुरुजी अमूमन देखा जाता है ना, बड़े होकर थोड़ा दिमाग परिवर्तित होता है, तो क्या ऐसा होने की संभावना है? अगर हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा है जिस तरीके से उसको खोलेंगे, मतलब जिस तरीके से परिवेश में डाल दिया, वैसे ही बनेगी ना वो। जैसा एक पानी को अपन जिस रंग में घोलते हैं वैसा कलर आता है जी। हाँ महाराज जी, आगे का क्या प्लान है आपका? जैसे अब ये छोटी हैं, पढ़ेंगी लिखेंगी बड़ी होंगी, तो समाज विभिन्न प्रकार की बातें करता है अपने ही धर्म के बच्चों के, खासकर बच्चों के लिए करता है। तो इस तरह के और भी बच्चे अगर आपको मिले तो क्या आप इसी तरह उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलाएंगे? बिल्कुल। तो और भी कई बच्चों को कर चुके हैं आप, या और भी बच्चे हैं आपके पास ऐसे? नहीं अभी तो बच्चे है जी, नहीं ऐसा नहीं, और बच्चे हैं जो, और भी बच्चे आपके पास है जो आप भक्ति के मार्ग पर जिन्हें चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साधु हैं आप, हाँ। आपकी क्या दिनचर्या रहती है? प्रातः 3:30 बजे उठना, संध्या ध्यान करना, आरती पूजा करना। मतलब सुबह 3:30 बजे आप भी उठ जाते हैं? हाँ। आप कितने बजे उठते हैं सुबह? 4 बजे। 4 बजे उठ जाते हैं? हाँ। और सोते कब हैं? 9 बजे। 9 बजे? हाँ। 4 बजे तो आजकल के बच्चे भी सो जाते हैं, सोते रहते हो तो 10 बजे तक। क्या कहोगे उनके लिए जो देर से उठते हैं? हाजिर के निवेदन करता हूँ कि 4 बजे उठ जाओ। अच्छा, हाँ। चलो अच्छी 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 बात है। सुगिरी। आपने देखा ये बाल नागा साध्वी हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने खिलौने डमरू और त्रिशूल इनसे खेलती हैं, भजन करती है, कीर्तन करती है और भगवान की सेवा करती है, भक्ति करती हैं। मैं आपसे चाहूँगा आप एक संदेश अपने जैसे छोटे बच्चों, उम्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? अपने माता पिता की बात माने और मन लगा के पढ़ाई करें। जैसे गौ माता की सेवा करें। जैसे आप भी मन लगा के पढ़ रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, हाँ। और गुरुदेव की सेवा करते हैं आप, हाँ। महाराज जी आप इन्हें इनका माँ भी बने, बाप भी बने, दोस्त भी बने, सब कुछ बने, तो आप क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि आज की जो भी नई पीढ़ी है वो अपने माँ बापों की सेवा करे, गुरु आज्ञा का पालन करे और उन्हीं के साथ साथ में सनातन धर्म की रक्षा करे, गौ माता की रक्षा करे, बस। आपने देखा होगा ये बाल साध्वी हैं, बाल नागा साध्वी 9 साल की 3rd क्लास में पढ़ती हैं, भक्ति करती है, भजन करती हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं, गौ रक्षा की अपील कर रही हैं, माता पिता की सेवा करने की अपील कर रही हैं और सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए तत्पर हैं। उम्मीद है इनकी ये स्टोरी आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाएगी, क्योंकि बाल साधुओं के बारे में विभिन्न प्रकार के भ्रम समाज में हैं और जो भ्रम आप लोगों ने पाले हैं वो केवल भ्रम है, वास्तविकता नहीं है, झूठ है। इसलिए इस प्रकार के भ्रम ना पाले, सकारात्मकता को अपने अंतःस्थ में धारण करें और सकारात्मकता को ही समाज में फैलाएं, क्योंकि सही मार्ग पर चलकर आप भी मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे और आपका भी कल्याण होगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में साधु संतों से जुड़ी और हमारी परंपराओं से जुड़ी एक और अन्य स्टोरी के साथ। धन्यवाद।